नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। अभी तक जिसने वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लीजिए, क्योंकि गुरुग्राम की एक ऐसी चमचमाती तस्वीर आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। एक तरफ है विद्या का मंदिर, देखिए आप मेरे बिल्कुल सामने, अभी हम सेक्टर 4 के पास खड़े हुए हैं सेंट माइकल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी उस पीपल देवता की ओर, जिसमें माना जाता है सनातन में कि यहाँ पर सभी देवी देवता जो है वो वास करते हैं, और इसी पीपल देवता का किस तरीके से अनादर किया जा रहा है वो आज आपके बिल्कुल सामने दिखाई देगा। यहाँ पर रोजाना जो है कूड़ा पड़ा रहता है यहाँ पर, और आज इतनी अति हो गई है कि यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से जानवर मारकर जो है यहाँ पर फेंका हुआ है, और ये एक दिन की समस्या ना होकर रोजाना की समस्या है कि यहाँ पर यही स्थिति लगातार बनी रहती है। यहाँ पर खड़े तक नहीं हो पा रहे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है, बट उसके बावजूद भी जो है कोई इसके ऊपर ध्यान देने को राजी ही नहीं है। हिंदुत्व की बात की जाती है, सेवा पखवाड़ा मनाया जाता है, क्या यहाँ पर कोई सेवा नहीं बनती है कि जहाँ पर आप रोजाना पूजने आते हो अपने जो है आपके पूजनीय है, जो आपके गुरु है या जिनको आप मानते हैं, और उन्हीं के बिल्कुल साथ में यहाँ पर इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, क्या यही कूड़ेग्राम का हाल जो है लगातार गुरुग्राम में दिखता रहेगा? क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो झाड़ू चलाया जाता है, पर दूसरी तरफ अगर आप स्थिति देखें तो यही स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। गौ माता किस तरीके से यहाँ पर इसी कूड़े में जो है अपने खाने के लिए कुछ ढूंढ रही है, क्या ये कहाँ तक सही है आप खुद देखिए। आप सभी से अनुरोध है कि ये लाइव जो है सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये पूरे गुरुग्राम की जो है आज यही स्थिति है। आप खुद सोचिए इस चीज को, खुद समझिए इस चीज को कि आखिरकार गुरुग्राम में हो क्या रहा है, क्या यही हालत लगातार गुरुग्राम की रहेगी? जो यहाँ के निवर्तमान पार्षद है, विधायक है, क्या वो सो रहे हैं? क्या उनको जागना जरूरी नहीं है कि वही पीपल देवता? पहले तो गुरुग्राम की स्थिति ऐसी कर दी जाती है कि जहां जहां कूड़ा है वहां वहां जो है मूर्तियां स्थापित कर दी जाती हैं, ये एक नया चलन चला है गुरुग्राम में, और दूसरी तरफ आप देखें कि यहाँ पर पीपल देवता है जहां आराधना की जाती है, और दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ स्थिति कैसी है। और आपको मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि जूम करके भी दिखाए कि हालत क्या है, यहाँ पर कोई मरा हुआ जानवर फेंका गया है, और उसी के सामने जो स्कूल है, बच्चों को रोजाना यहाँ से गुजरना पड़ता है, रोजाना यहाँ से निकलना पड़ता है, कितनी जो है स्थिति उनके लिए भयावह है यहाँ पर। और यहाँ पर स्थिति आप देखिए कि क्या चल रही है, यहाँ पर जो अभी उसी स्कूल के बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है, प्रिंसिपल भी है, जो स्टाफ है वो भी मौजूद है। आइए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या स्थिति है और कब से है। आपका नाम बेटा? माय नेम इज माही, आई एम फ्रॉम क्लास 12th। As we can see, half of the road is always filled with garbage and it causes a lot of traffic and many accidents, as this garbage is very slippery on the road and it is harmful for the animals also, like they like cows and dogs, they eat from there and it's very harmful for them. And secondly, it causes a very foul smell, like we have completed many times, but always temporary solutions are only made, not permanent solution is made. And it's in very educated area, you can see our education institute is there, so still people are doing this. In school we learn about how to keep our environment clean. हमारे आसपास तभी रहते हैं जब हमारे सराउंडिंग ही क्लीन हो, जब सराउंडिंग ही क्लीन नहीं है तो भगवान हमारे आसपास कैसे रहेंगे। और इसका कनेक्शन हमारे फिजिकल हेल्थ के साथ भी है, एक छोटा सा जुखाम जो हमें काम नहीं करने देता। आप सोचिए इतना कूड़ा जिसमें से इतनी बदबू आती है, वहाँ अंदर बच्चे पढ़ पा रहे होंगे, सांस लेना दूर की बात है, यहाँ बिना हैंकी के खड़े होना इतना मुश्किल है, सोचिए यहाँ से गुजरने में लोगों को कितनी दिक्कत होती होगी। आए दिन जब हम सुबह सुबह आते हैं, यहाँ पर एक गाय बेहोश हो गई थी, किस कारण? इस कूड़े की बदबू के कारण। हमारी गौ माता जिसे भारत में इतनी मान्यता दी जाती है, हमें उनका भी ध्यान करना चाहिए, हमारा ध्यान करना चाहिए, इस शिक्षा मंदिर का ध्यान करना चाहिए। और मेरी आपसे यही विनती है कि जितनी जल्दी हो सके ये कूड़ा हटवाइए, और कूड़ा हटवाना ही नहीं, यहाँ कूड़ा ना फैलाएं, वो ही इस समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद। यहाँ पर आप देखें कि बच्चे भी कितना जागरूक है, बट यहाँ के जो निवर्तमान पार्षद है, विधायकों की बात करें, समाज सेवियों की बात करें, जब तक चुनाव नहीं आएंगे शायद वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। बट ये स्थिति जो है यहाँ पर आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि एक तरफ तो झाड़ू चलाई जा रही है, पर दूसरी तरफ ये स्थिति जो है बिल्कुल आपके सामने है। आपका नाम? मेरा नाम विधि शर्मा है और मैं सेंट माइकल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हेड गर्ल हूँ। मैं यहाँ पे 14 साल से पढ़ रही हूँ और पिछले 6-7 साल से यहाँ का यही हाल है। जब भी हम कंप्लेंट करते हैं, टेम्परेरी सोल्यूशन दिए करे जाते हैं, 2-3 दिन के लिए यहाँ साफ रहेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे कूड़ा पाइलअप होने लग जाएगा, और एक टाइम पे ऐसी नौबत आ जाती है कि जगह बचती नहीं है कि हम चल सके। इतनी सी रोड बची होती है कि हम चल सके। मैं वैन से जाती हूँ नॉर्मली स्कूल आती जाती हूँ, तो जब भी हमारी वैन इस पैच से गुजरती है तो हमें अपनी खिड़कियां बंद करनी पड़ती है, क्योंकि वो इतनी इनटॉलरेंट स्मेल है
कि हम उसे सह नहीं पाते। और रही बात जानवरों की, जैसे अभी आपने देखा यहाँ पे एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ है, यहाँ पे अभी गाय प्लास्टिक की पन्नी चबा रही थी, उसकी हेल्थ पे क्या बुरा असर पड़ेगा, बच्चों पे क्या बुरा असर पड़ेगा जो स्वच्छता के बारे में इतना सीखते हैं स्कूल में आके। कल जैसे 2 अक्टूबर था, हमारा स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो क्या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी ये जो भी वो उनके कार्यकर्ता है उनका ये दायित्व नहीं बनता कि वो यहाँ पे आके भी सफाई करें? वो जहाँ पे कैमरा है, जहाँ पे फुटेज है, वहां पे जाके सब कोई काम करता है, लेकिन ऐसे स्कूल के सामने जहाँ पे जरूरी है, जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है सफाई, वहां पे अगर आप काम नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं है। आपका नाम? सुखरेन मखीजा। मखीजा, यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है और कितने दिनों से आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है? फ्रॉम पास्ट 6-7 ईयर्स वी आर सीइंग द स्कूल हैज कंप्लेंट मेनी टाइम। आई आल्सो वांट टू रेज द कंप्लेंट रिगार्डिंग द एमसीजी गार्बेज वैन्स। दे थ्रो देयर एक्सेस ऑफ वेस्ट हेयर सो दैट दे कैन गो टू मोर हाउसेज एंड सेव देयर रूट्स। सो दैट्स नॉट राइट बिकॉज दे आर डंपिंग द वेस्ट एंड इट इज अगेन पाइल अप एज शी टोल्ड दैट देयर इज अ जैम एंड ऑल। एंड सी रिलीजियस ट्री एंड इट इज बिल्कुल मंदिर के समान है, देखिए सारी मूर्ति पड़ी है और यहाँ पे ऐसे होना बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारा यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है, वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि स्मेल इतनी है। तो यहाँ पर आप देखिए एक और बड़ी बात कि MCG अपने कूड़े की जो रेडिया यहाँ पर से लेकर जाती, गाड़ियां लेकर जाती है, वो एक्सेस में हो जाती है तो यहाँ फेंक जाती है। तो क्या यहाँ पर निवर्तमान पार्षद जो है वो आंखें बंद कर कर बैठे हुए हैं? क्या उनका काम सिर्फ MCG में जाकर चिल्लाने का रह गया है? धरातल पर कुछ तो कराइए। ऐसा तो नहीं है कि निवर्तमान पार्षद हो गए तो आपके हाथ में कुछ भी पावर नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करवा पा रहे हैं। स्थिति आप यहाँ पर देखिए, ये बच्चे आज मजबूर है प्रशासन को वो आईना दिखाने के लिए जो प्रशासन शायद देखना ही नहीं चाहता। यहाँ पर आसपास के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है यहाँ पर, क्या कोई भी इस सिचुएशन को जो है हैंडल नहीं कर सकता। हिंदुत्व की बात बार बार हो रही है, क्या किसी को ये नहीं दिखाई दे रहा कि आप देखें कि पीपल देवता का किस तरीके से अनादर हो रहा है? यहाँ पर कोई भी आता है यहाँ पर कुछ भी फेंक के चला जाए, कहाँ तक ये चीज सही है? क्या यहाँ पर कोई भी आकर इनिशिएटिव नहीं ले सकता? समाज सेवी हो, निवर्तमान पार्षद हो, विधायक हो, बहुत सारे लोग हैं, बट उसके बावजूद भी ये स्थिति 6 से 7 साल कम नहीं होते जो इन छोटे छोटे बच्चों का कहना है। अगर ये भी ये चीज समझ रहे हैं तो प्रशासन को जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरुग्राम की जनता कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है। आइए बात करते हैं यहाँ के स्टाफ से। मैम आपका नाम? तुषारा। मेरा नाम तुषारा है। पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और शुरू से हमने यही चीज देखा है। हमने लोगों से कॉन्टेक्ट किया है ये निकालने के लिए। और सबसे दुख की बात यह है, एक ऐसा कंट्री जहाँ पे रिलीजन को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं और हिंदुत्व को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप देख सकते हो वहाँ कितनी सारी मूर्तियां पीपल के पेड़ के नीचे डाली हुई है और उसी के सामने गन फैलाया गया हुआ है। और ऊपर से हमारे इतने सारे सब्जेक्ट टीचर्स हैं एनवायरमेंटल स्टडीज के, मॉरल साइंस के, जब हम पढ़ाते हैं ना चैप्टर, बच्चे खुद ही उठ के बोलते हैं मैम ये है एनवायरमेंट, मतलब प्रैक्टिकल देखे तो कुछ भी नहीं है, खुद ही काउंटर क्वेश्चन करते हैं। हमें भी लगता है हम कैसे पढ़ाए आगे जब समाज नहीं सिखा पा रहा कि सफाई किसे कहते हैं। गवर्नमेंट अभी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया उन लोगों ने, तो तब भी साफ सफाई की बात हुई, और 3 अक्टूबर को हम आ रहे हैं फिर भी यहीं गंदगी वैसा का जैसा, वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। तो ये थोड़ा दुख लगता है कि बच्चों की मनोवस्था, क्योंकि बाहर की गंदगी, हमारे मन की गंदगी सब मिल, इनके बीच में एक मेल बाल होता है कि अगर आप क्या सोचते हो वही बाहर गंदगी फैलाते हो, है ना। तो मेरे को लगता है कि ये साफ रहेगा तो हमारा मन का सोच विचार भी काफी साफ रहेगा। हम जहाँ रहते हैं इसलिए हम साफ रखते हैं ताकि हमारी सोच साफ रहे। ये बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर मैम ने बोला कि यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी आती है कि जब हम बच्चों को सिखाते हैं कि समाज में कैसे रहना है, पर उसके पहले जो है समाज की तस्वीर भी बच्चों को दिखानी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। क्या यही तस्वीर है जो हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं? ये बात करते हैं। सर आपका नाम? I am Father Amal Raj, the headmaster of the school. क्या कहेंगे सर ये सिचुएशन देखकर? We have been telling our parents of the children also that what we learn and what we are supposed to put into practice. लेकिन what we see in and around is something different. So our children also not, and even parents, many parents came and they complained. But we try our best to educate our children. At the same time, we want that the government should take initiative and to help our children too, and many children are affected because of all these things. हम चाहते हैं सरकार उसका कोई सलूशन निकाले, और all the more it is how they are praying, I don't, we don't understand.
it is very ingenious. It's not good for health for many. They are unable to travel in all these places. Sir, आपका नाम? मेरा नाम रमेश त्यागी है. मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप फिजिकल फिजिकल टीचर हूँ यहाँ पर. और पास में जैसे कि बच्चे ने बताया बास्केटबॉल कोर्ट है और बास्केटबॉल खेलने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. लेकिन इस तरह के एनवायरनमेंट में हाउ कैन दे टेक ऑक्सीजन. और एक चीज ये भी है कि मैं बहुत ही पास में रहता हूँ, यहाँ कृष्णा कॉलोनी में रहता हूँ. okay. मुश्किल से 50 मीटर दूर है. ये सब मेरे सामने होता है रोज, 50 बार यहाँ आना जाना, हरीश बेकरी इधर आसपास आना जाना होता है. रोज मैं यहीं से आता हूँ और देखता हूँ बाइक पर स्कूटीज आते हैं और पन्नी भर के ऐसे फेंक के और चले जाते हैं. okay. कोई भी बॉदर नहीं करता है कि उससे किसको नुकसान होगा. okay. अपना घर वो खुद गंदा कर रहे हैं. जब ये देश हमारा घर है तो उसको वो खुद ही गंदा करते हैं. अब पता नहीं किसी का यहाँ कोई डॉग मर गया होगा तो उसको भी फेंक गया, उसकी वजह से इतनी स्मेल आ रही है कि वी कांट इनहेल. कंप्लेन की अभी किसी से? कई बार की है, एमसीजी ने उठाया भी है. उसके बाद फिर यही सब हो जाता है. यहाँ पर एमसीजी की गाड़ियां गलियों में आती है. मैंने अभी बताया मैं पास में रहता हूँ. एमसीजी की गाड़ियों के अलावा भी प्राइवेट जो गार्बेज टेकर होते हैं वो भी आते हैं और वो सब कूड़ा यहाँ फेंकते हैं. एमसीजी वाले कहाँ लेके जाते हैं इसका कुछ नहीं पता, लेकिन जो प्राइवेट होते हैं वो सारे यहीं फेंकते हैं. हेलो मैम, आपका नाम? सिस्टर लीज जी, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल. और क्या कहेंगे मैम ये सिचुएशन देखकर? यस मैम, मैंने 2 साल स्टाफ के साथ बहुत प्रयास लिया, बहुत कंप्लेन दे दिया पर टेम्पररी सोल्यूशन होता है. okay. उसके बाद 2 दिन साफ था और सुबह सुबह मैं आके ऊपर गए राउंड के लिए तो बहुत स्मेल आ रहे थे मुझे. तो मैं तुरंत वापस आया, देन आई वो कॉल्ड चौकीदार एंड ऑल केम, देन वन डॉग इज डेड एंड सो मच स्मेल. एंड तुरंत मैंने इधर उधर हमने फोन किया, सर को बताया तो आपको भी बुलाया. जी तो जी. कुछ ना कुछ सोल्यूशन चाहिए क्योंकि स्कूल है, हम बच्चों को सिखाते हैं क्लेनलीनेस, साफ सफाई, और हमारा देश भी उसके लिए हम बात कर प्रयास कर रहे हैं. जी जी. तो हमको देखे बहुत तो दुख लगता है. रोज ये तो बहुत कम है, कभी कभी पूरा रोड फैला जाते हैं, लोगों को चल नहीं सकते. तो ये इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वी फील वेरी सैड हाउ टू रन द स्कूल विद दिस स्मेलिंग एंड टीचर्स कैन नॉट, यू कैन सी द क्लासरूम्स direct smell. and when we have a third gate here, parents come, bachelon ko lene aate hain, parents do complain to us. mm-hmm. so many emails have come, kuch solution le lo madam, kuch solution, humne bahut chitti likh diya par kuch solution nahi ho rahe. and today is too much. The dog is here and smelling. I don't know how to solve. So it's our humble request that the government take any step to solve this problem forever. थैंक यू. तो यहाँ पर आप देखिए कि सिचुएशन क्या है और ये सिचुएशन लगातार यहाँ पर बनी हुई है. आइए सर से भी बात करते हैं. सर आपका नाम? मैं राजेश कौशिक, सेंट माइकल स्कूल, पीजीटी अकाउंट्स. सर क्या कहेंगे ये सिचुएशन देखकर, क्या लग रहा है आपको? बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है. हमारे क्लास रूम बाउंड्री के पास ही है जी. बच्चों को बहुत स्मेल आती है. अभी कह रहे थे सर कैसे पढ़े. जी जी. कई बार हमने कंप्लेंट की है लोकल एमएलए, नगर पार्षद, इवन सीएम विंडो तक भी हमने शिकायत की है, लेकिन हमारी समस्या का निवारण आज तक नहीं हुआ है जी. इसलिए हम प्रशासन से ये दरखास्त करते हैं कि जल्दी से जल्दी समस्या का निवारण हो. थैंक यू सर. यहाँ पर एक बार जो अभी हमारे साथ जुड़े, एक बार फिर से बता दूं कि अभी हम जो है सेंट माइकल स्कूल के पास है. स्थिति आप देखिए यहाँ पर क्या है. एक तरफ पूजनीय पीपल का वृक्ष है यहाँ पर, और दूसरी तरफ आप देखे कि क्या सच्चाई है यहाँ की जो धरातल पर आप देख रहे हैं. यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से जो है, यहाँ पर आसपास भी आप देखें कि किस तरीके से आते हैं और यहाँ पर कूड़ा फैलाकर जो है वो चले जाते हैं. क्या कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पर? मिट्टी डालने की ये जगह है, बोला है किसी ने ये डालने को? बोला है. किसने बोला? यहाँ काम कर रहा हूँ. कहाँ काम कर रहा है? ये बगल में. क्या नाम है? मेरा नाम शिवम. नहीं, किसने बोला यहाँ पर डालने के लिए? यहाँ काम कर रहा हूँ वही बोला मालिक ने. नहीं, कौन है मालिक? नाम तो होगा मालिक का? ना, नाम मैं नहीं जानता. चलो दिखा देता हूँ घर में. नहीं तो ऐसे ही कहीं पर भी डाल देंगे बिना किसी से परमिशन लिए. मिट्टी है तो क्या, मिट्टी से कुछ नहीं होगा? पानी आएगा यहाँ पर, बारिश होगी, कुछ होगा तो फिर? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं. तो कैसी बात है? मालिक बोला तो मैं फेंक रहा हूँ ना. वो किसका है पता नहीं.
यहाँ पर आप देखिए आसपास के लोगों की भी बात करें तो क्या यहाँ पर मिट्टी डालने की क्या ये जगह बनाई गई है, और यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से वही कूड़ादान जिसके ऊपर स्वच्छता का इतना बड़ा लोगो लगा है उसके बावजूद जो है स्वच्छता की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है गुरुग्राम में। आज आप हालत देखिए कि क्या हो चुकी है। डीसी साहब बहुत बड़ी बात है कि आप ग्रेप के नियम लागू कर देते हैं, बोलते हैं स्वच्छता के बारे में बोल देते हैं, बट धरातल पर अगर देखेंगे तो कौन देखेगा कि आखिरकार धरातल की सच्चाई है तो है क्या। यहाँ पर लगातार जो है आवाज उठाई जा रही है, 6 से 7 साल कम नहीं होते कि इसी मंजर से रोज गुजरना पड़ता है, यही मंजर से रोज देखना पड़ता है। आखिरकार इसके ऊपर ध्यान सरकार क्यों नहीं दे रही, क्या ये इतना बड़ा कार्य है कि इसके ऊपर कोई देखना ही नहीं चाह रहा। प्रशासन की आंखें क्या खुली की खुली नहीं रह सकती, क्यों आखिरकार बार बार प्रशासन को ये जताना पड़ता है, चताना पड़ता है कि यहाँ पर आकर आप कुछ काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत बुरी हालत में है। हालत देखिए आप लगातार क्या चल रही है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखिए कि लिखा भी गया है कि यहाँ पर कूड़ा डालने वालों को जो है जुर्माना किया जाएगा, और ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है। अगर आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँ तो ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, और किस तरीके से सिटी को स्मार्ट बनाया जा रहा है यहाँ पर आप देखिए कि कूड़े की गाड़ी जो खराब हो गई है वो तक यहाँ पर छोड़ के चले गए हैं, और ये मिट्टी लगातार बढ़ती बढ़ती ये सारा कूड़ा है जो एक्यूमुलेट हो चुका है यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, और अब जो स्थिति है वो बिल्कुल आपके सामने है। प्रशासन से दरख्वास्त है हमारी निवर्तमान पार्षद से कि आखिरकार बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, हम उन्हें बोलते तो बहुत कुछ है कि यहाँ पर बच्चों को सीखना चाहिए प्रैक्टिकल चीजें, धरातल पर क्या हो रहा है, पर धरातल पर जो सच्चाई है बड़े लोगों की वो भी बच्चों को पता होनी चाहिए कि गुरुग्राम प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। सेवा पखवाड़ा मनाना अलग बात है, पर धरातल की सच्चाई यही है, झाड़ू लेकर घूमते रहो पर उस झाड़ू से किसी की सफाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, वो सच्चाई जो है आज आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। आप सभी व्यूवर से अनुरोध है कि कृपया करके जो है अपने कमेंट जरूर लिखे, क्योंकि गुरुग्राम कहीं ना कहीं आज कूड़ा ग्राम बनता जा रहा है। जी सर, आपका नाम? मैं स्वरूप सिंह मकड़ हूँ, मैं सामने रह रहा हूँ, 21 नंबर में। अच्छा जी, और मैं पिछले 2 सालों से इतना तंग हुआ पड़ा हूँ, हम सारे मकान छोड़ने गली बैठे हुए जी। ये जान के उन्होंने अड्डा बना लिया और हमने बड़ी कोशिश की, नहीं उठा, और मैं हर जब भी गंदगी होती है मैं इनके नंबर पर हमेशा डालते रहता हूँ, मेहता साहब को भी लिख के दे आऊँ, पर कोई केयर ही नहीं कर रहा। और इतनी बुरी हालत, निवर्तमान पार्षद कौन थी? ये वो मेरे को सानी है, ये मैडम वो है सीमा है यहाँ से, इधर वाला जो इनका वो सानी सानी मैडम सानी साहब है, कौन है वो, कोई केयर नहीं कर रहा है, दिलीप है, उनकी वाइफ का है, कोई केयर नहीं करता, वो कहता मेरा वार्ड नहीं होगा तो मेरा वार्ड नहीं है। और हम यहाँ लोग हमारे से मारने कूटने पर आ जाते हैं, सामान के डालते हैं, आप क्यों रोक रहे हो, हम डालेंगे जी। तो हम तो तंग हुए पड़े, बहुत ज्यादा तंग हुए, बहुत हमने कोशिश की, हमने गार्ड भी बढ़ाया एक बार यहाँ, ये स्कूल वाले थोड़ा सा कोशिश की है इन्होंने, पर थोड़ा सा रात को डाल जाते हैं, हाँ रात को डाल जाते हैं, इनकी मैं तो ये सामने मदर डेयरी है, इन लोगों को कहा था हमारा कुछ लेना देना नहीं है, इनको कहा था, इन्होंने कोशिश तो की है पर एक बारी बहुत सारे 15-15 दिन तक नहीं उठता यहाँ सामान, 15-15 दिन तक, और बारिश आ जाए तो क्या होगा अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यहाँ कोई जानवर भी फेंका हुआ है आज? हाँ जानवर मुझे आज तो पता नहीं, वे कोशिश उठा लेते हैं वैसे, आज फेंका हुआ था जानवर भी, फेंका हुआ है वहाँ पर। क्या कहेंगे, यहीं पर ही पीपल देवता का वृक्ष है जहाँ पर लोग पूजा कर जा रहे हैं, यहाँ आते हैं लोग पूजा करके चले जाते हैं, उनका केयर कुछ ध्यान नहीं देते, कोई भी कोई ध्यान दे थोड़ी दे, कोई नहीं तो खड़े हो जाए एक बार यहाँ। अब मैंने मुझे मेरे पास मैसेज आया था कि यहाँ एक गार्ड बैठा दो तुम, शाम का गार्ड बैठा दो, तो हमने 4-5 मकान वालों ने कोशिश तो की है कि हमें गार्ड शाम को बैठा दें, किसी ने बैठाया था 7-8 दिन के लिए तो ठीक सा हो गया था, पर सवेरे फिर भी डाल देते। तो मेरा कहना का मतलब जब तक अपने आप ये नहीं उठेंगे म्यूनिसिपल कमेटी वाले तो बात होगी नहीं ऐसे, और बहुत दुखी हुए पड़े, बहुत ज्यादा दुखी हुए पड़े। यहाँ पर आप देखिए कि सेक्टर के लोग जो है ये जगह छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कचरे के कारण कि आखिरकार कब तक इसी हालात में हम रहेंगे। कोई आता है, कोई यहाँ पर विजिटर आता है या फिर कोई रहने के लिए आता है, और बड़ी बात जो है जो पेरेंट्स आते हैं उनका कहना है कि किस स्थिति में जो है हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, शिक्षा का मंदिर एक तरफ, दूसरी तरफ जो है हमारी आस्था का मंदिर, और तीसरी तरफ यहाँ पर बीच में देखिए किस तरीके से जो है स्थिति यहाँ पर इतनी दयनीय स्थिति हुई पड़ी है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये उन कानों तक ये आवाज पहुंच सके जिनको ये काम करना है।
एमसीजी इलेक्शंस आते ही जो है गुरुग्राम एकदम साफ हो जाता है, बट जब तक इलेक्शन नहीं है तब तक शायद कोई अपने घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से यहाँ पर सरदार जी ने कहा कि एक तरफ सहनी का वार्ड, दूसरी तरफ सीमा पहुजा का वार्ड, क्या यही खेल चलता रहेगा कि इसका वार्ड है या उसका वार्ड है? क्या इतनी किसी की भी जो है कर्तव्य नहीं है कि आप किसी गाड़ी वाले को बुला के यहाँ पर कुछ करे कि यहाँ पर जो है कूड़ा ना फेंका जाए? आप सभी से अनुरोध है, डीसी साहब से अनुरोध है कि कृपया करके बच्चों की जो है सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, जो लोग रह रहे हैं उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। डेंगू के ऊपर भाषण दे रहे हैं कि घरों में जाकर लार्वा चेक किया जा रहा है, यहाँ पर तो सामने पड़ा हुआ है कचरा, तब भी दिखाई नहीं दे रहा, तो अपनी आंखों का इलाज आप भी जरूर करवाएं।